ये सारे डर मोदी जी के आने के बाद ही लगने शुरू हुए हैं, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी यूनिटी के लोग हैं, मेरी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मैं उनके नाम लेकर या उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश में टेररिस्ट अटैक से पकड़े गए थे, उनको फांसी की सज़ा हुई थी, और उनको फांसी की सज़ा ना हो उसकी गुहार लेके रात को 2:30 बजे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उनके लिए वो करने के लिए उनको साइन किया, उन्होंने उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, जब उस पर साइन करके उनको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस देश में, तो फिर इसमें क्या डर है? ये सेंस ऑफ रिस्क, जिनके रिस्पॉन्सिबल लोग जो होते हैं उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अनपढ़ पढ़ा लिखा न जो है, जो बूढ़ा आदमी है, जो सड़क पर आदमी है, जो सिर्फ बातें सुन के बोलता है, वो इस तरह की बात करे तो समझ में आता है। एक पढ़े लिखे इंसान जो एक मुकाम हासिल कर चुके हैं उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है। माइनॉरिटी के लोग ही सवाल उठाते हैं कि देश में रहने लायक नहीं है, नहीं या हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित नहीं है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शायद आप नहीं जाते बतौर मीडिया, जो ऐसा नहीं कहते। आजकल अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव न्यूज़ इज़ न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। तो हज़ारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग माइनॉरिटी से जो देश के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, मैं देखता रहता हूँ। आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह पर, सोशल मीडिया पे आ जाता है। आपने कहा कि मोदी जी आए तब से डर लगने लगा है, क्या बिकॉज डरा रहे हैं किसी को? नहीं, बिकॉज वो अपने काम से काम रख रहे हैं ना, वो दरबार नहीं लगाते हैं लोगों को। हमको दरबारियों की आदत पड़ गई है, दरबारी होने की आदत हो गई है, कंधे पर हाथ रखने वाले की आदत हो गई है, तो वो ऐसे हैं नहीं, वो तो अपना काम करते जाते हैं। और इसलिए पहले तो ऐसी मैं बातें नहीं सुनता था। ये बार बार बोला जाता है कि पहले जो बात हुई थी उसके बारे में क्यों बात करते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है कि कश्मीर से कश्मीरी मुसलमान हिंदुओं को 4 लाख फैमिलीज़ को रातों रात निकाल दिया, उसके बारे में बात ही नहीं करते। उसमें उनको माइनॉरिटी नज़र नहीं आती है। कश्मीरी पंडित जो हैं वो कश्मीर में माइनॉरिटी थे ना, अब तो 0% रह गए या 1% रह गए, उसमें किसी को नज़र नहीं आई।